हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं भुट्टे का कीस। बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमने 3 भुट्टे लिए हैं और हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने एक ऑयल लिया है, एक पैन में डाला उसको और गर्म किया। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, राई। अब इनको ना क्रैकर होने देंगे। जैसे ही क्रैकर होंगे इसमें हम डाल देंगे 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच लहसुन का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है इसको भी। अब इनको अच्छे से पका लेंगे बिल्कुल मध्यम गैस पे। देखिए चलाने लगी मैं इसको, इसको चलाते चलाते अच्छे से भून लेंगे। और हमने दूसरी साइड जो इसका पेस्ट बनाया था भुट्टे का, उसको हम नाप लेंगे। तो ये 1 कप तो मैंने भर लिया है इसमें। अब उसके बाद थोड़ा सा और बचता है, तो लगभग 1.25 कप के आसपास भुट्टे का किस निकला है, जो 3 भुट्टे हमने लिए थे वो। ये लीजिए जी, मैंने उसको डाल दिया है इसमें पकने के लिए। और बाकी बचा हुआ जो भुट्टे का पेस्ट है उसको भी नाप के हम इसमें डाल देंगे। ये भुजने लगा है, बिल्कुल मध्यम गैस पर रखा हुआ है इसको अभी मैंने। ये देखिए बस थोड़ा सा और निकला है ये भुट्टे का कीस। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे, बिल्कुल मध्यम गैस पर ही रखना है इसको। अभी ज़्यादा ठंडा लगे तो आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए उसको, ज़्यादा तेज कर लीजिए गैस को, नहीं तो इसको धीरे धीरे गैस पर पकाएंगे। ये देखिए पकाते हुए 2-1 मिनट हो गए हैं मुझको और ये थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा है। बस इसकी यही प्रोसेस है, इसको बस पकाना अच्छे से, बाकी ताकि ये कच्चा ना लगे खाने में। ये लीजिए 2-1 मिनट और हो गए हैं, ये और अच्छे से भुंज गया है। बस इसको मैं चला रही हूँ, ये हल्का हल्का सा है ना उसकी स्पेस ज़मीन में लग रहा है पैन के अंदर, तो मैं इसको पलट पलट के अच्छे से चला रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम दूध, ये 1 कप से थोड़ा कम दूध लिया है। भुट्टे के भुजने के बाद हम इसमें दूध डाल देंगे, जिससे ये इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा था। ये दूध जो लिया था उसमें मैंने मलाई भी डाली है, वो रिच टेस्ट आएगा इसका अच्छा वाला। ये मैं इसको चलाते चलाते पका रही हूँ, लगभग 4 या 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद ये अपने आप से ही जो है ना तेल छोड़ने लगेगा। ये देखिए ये साइड से है ना तेल छोड़ रहा है। अब इसमें डाला मैंने मिर्ची 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इनको हम अच्छे से मिला देंगे, बस इसको चिपकने मत दीजिएगा क्योंकि ये भुट्टा है ना बहुत जल्दी चिपकता है। हो सके तो नॉनस्टिक बर्तन में ही इसको बनाइएगा, अल्मोनियम या स्टील की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ेगा, नॉनस्टिक में अगर आप बनाते हैं तो कंटिन्यूसली नहीं इसको चलाना पड़ेगा। ये देखिए ये ना अब तेल छोड़ने लगा है साइड से, इट मीन्स ये अच्छे से पक गया है। आप जितना चाहें उतना इसको पका सकते हैं, थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम शक्कर, मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शक्कर डाला है। आप अपनी टेस्ट के अनुसार इसमें शक्कर डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। किसी ये इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल लास्ट में नमक डालिएगा। ये धनिया डाला इसमें और धनिया डालने के बाद ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद देखिए इसमें हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से कोकोनट डाल देंगे। ये फ्रेश कोकोनट है। इंजॉय कीजिए भुट्टे का कीस। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।